मैं आम आदमी पार्टी के ऑफिस में नहीं हूं, मैं इस वक्त केजरीवाल कुमार विश्वास है उनके घर पर हूं और यहां पर केजरीवाल समर्थक बड़ी संख्या में पहुंचे हैं जो कुमार विश्वास को मिठाई खिलाने के लिए आए हैं। क्योंकि जिस तरीके से कुमार विश्वास का बयान ठीक चुनाव से पहले आया था उसके बाद कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी और अब जब आम आदमी पार्टी की प्रचंड जीत हुई है पंजाब में तो उसके बाद आम आदमी पार्टी के दिल्ली से विधायक हैं नरेश बालियान जो उत्तम नगर विधानसभा से हैं वो यहाँ पहुंचे हैं अपने कुछ समर्थकों के साथ। आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के झंडे हैं और कुमार विश्वास के घर के ठीक बाहर ये पहुंचे हुए हैं और कुमार विश्वास को मिठाई खिलाने के लिए जा रहे हैं। हालांकि यूपी पुलिस यहां पे खड़ी हुई है, गाजियाबाद पुलिस है जो आगे जाने नहीं दे रही है। हम बात करते हैं सीधा नरेश बालियान से। नरेश जी, किस तरीके से आप आए हैं आगे, क्या बात एक साथ ले रहे हैं? देखिए, सारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आए हैं और जो पंजाब में साथ सारी टीम लगी हुई थी और अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में इतना बड़ा बहुमत आम आदमी पार्टी को पंजाब में मिला है तो जो कुमार ने जो चुनाव के दौरान किया था बीजेपी के हाथों, क्या सेटलमेंट हुई थी, क्या लिया था, तो उसी का जवाब देने के लिए, उसी की खुशी के लिए आज आम आदमी पार्टी के सारे कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हैं। तो बहुत बहुत बधाई कुमार जी को और दोनों गोली बीपी और नींद की गोली लेके आराम से सोएं। तो कुमार के खिलाफ प्रदर्शन माना जाए, मिठाई खिलाने आए हैं आप? तो मिठाई खिलाने आए हम, तो मिठाई खिलाने के लिए पुलिस मेरे को पता नहीं क्यों रोक रही है। हम तो मिठाई पहले वो कह रहे हैं नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए रात को आएंगे तो रात को बधाई देने के लिए आएंगे, तो बधाई अकेले मिठाई मिठाई दो।